1615th एपिसोड ऑफ नागपुर्स मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद द पहनावा बुटीक। ऑल्सो बिग थैंक यू टू मैम्पी रीजनेबल डायपर्स फॉर चिल्ड्रन, स्टाइलक्स फॉर होम किचन इंटीरियर्स, एंड ऑल्सो यू नो कांट फॉरगेट टू थैंक Live Fit with Pooja Shelke, one of the best gyms coming up at Manish Nagar, helping a lot of ladies, women out there to lose weight and, you know, say bye-bye to obesity. And can't forget to thank you who like my show, share my show, and Twacha for women. Meri aaj ki jo mehman hai, she is, you know, she is an architect by profession and comes from Raipur, but then she is now a proud Nagpurkar. Please welcome my guest today, architect Sneha Mokha. Ma'am, hi. Hello everyone. Good afternoon. Oh, sorry. Good morning. Good morning. Good morning. Ma'am, पहले तो ये कि आप रायपुर से हैं, कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। That's true. Yeah. Okay. तो कैसी रही जिंदगी रायपुर में? डागा परिवार की बेटी की जिंदगी कैसी रही है? बहुत बहुत अच्छी रायपुर। आई मीन इट्स आई हैव हैड अ वेरी अमेजिंग चाइल्डहुड, फुल ऑफ फ्रेंड्स, पैम्परिंग फ्रॉम द फैमिली, आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, सो या इट्स बीन एन अमेजिंग राइड। सो जब आप यू नो एक जॉइंट परिवार में रहते हैं, यू नो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हर दिन सेलिब्रेशन होता है, है ना? तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि अब जॉइंट फैमिलीज की देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अब जमाना न्यूक्लियर फैमिलीज का है? आई थिंक ग्रोइंग अप हमें एक दूसरे के प्लेडेट्स नहीं बनाने पड़ते थे, जो आजकल हर पेरेंट ढूंढते रहते हैं, लाइक मॉम्स एंड टॉडलर्स ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइज, यू नो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जो इस टाइप के मीटिंग्स और गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हमारे टाइम पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज आई हैव ग्रोन अप विद माई सिबलिंग्स एंड कजिन्स एंड हम सब साथ में ही रहते थे, तो हमारे लिए वही मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर माय फर्स्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ। तो जब नागपुर आने की बात हुई, ये कितने साल पुरानी बात है, और क्या आप उसके पहले कभी नागपुर आई थी? हाँ, एक्चुअली मेरा अंडर ग्रेजुएशन जो आर्किटेक्चर में है वो नागपुर से ही हुआ है, प्रियदर्शनी में, सो दैट वाज द टाइम जब मैं नागपुर फर्स्ट टाइम आई, फर्स्ट टाइम नहीं बट लाइक रहने के लिए आई, बट उसके पहले मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके पास मेरा आना जाना चलता था वंस इन अ वाइल, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई मीन पोस्ट छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से बाहर निकला, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, वो पहले के रायपुर में और अभी के रायपुर में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप नागपुर आई थी पहली बार, तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क देखते हैं? ट्रैफिक, बैड ट्रैफिक, बैड हॉरिबल ट्रैफिक। सो जब मैं नागपुर आई थी पहली बार, तभी भी मैं सिविल लाइन्स में रहती थी, एयर इंडिया जो चौक बोलते हैं स्क्वायर, वहां पे मेरा हॉस्टल था, अभी भी है, बट तब, और मेरा कॉलेज था प्रियदर्शनी जो हिंगना रोड में, और तब मेरे पापा ने मुझे वैगनर दी थी, तो मैं यहाँ से कॉलेज जाती थी, तो इट वाज नॉट सो बैड, एंड मुझे मतलब तो भी डिस्टेंस बहुत है, लाइक 20 मिनट्स लगते थे, 20-30 मिनट्स मैक्स लगते थे पहुंचने में। अभी मुझे यहाँ, अभी भी मेरा घर सिविल लाइन्स में है, सिविल लाइन से आई थिंक 20 मिनट्स तो मुझे रविनगर के रामनगर वाली एरिया तक ही पहुंचने में लग जाता है, थैंक यू टू द ट्रैफिक। सो या आई मीन द ट्रैफिक इज हॉरिबल, या इट्स बिकम बैड। पहले लगता था कि रायपुर की ट्रैफिक खराब है, नागपुर की अच्छी है, लोग सेंसिबल है, बट आई थिंक द ट्रेट इज कमिंग हियर आल्सो। मैम, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप यू नो सिटी प्लानिंग को समझती हैं, प्रॉब्लम फॉल्ट का है, आपको ऐसा लगता है कि नागपुर में गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं, या नागपुर का जो जिस तरीके से यू नो प्लानिंग हुई है, देयर इज नो प्लेस टू पार्क? आई थिंक मोर देन पार्किंग, ये सारी सिटीज हमारी जो ये ओल्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो नए डेवलप हो रहे हैं, जो हमारी ओल्ड सिटीज हैं, जो ये ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो शायद इतने कार्स के लिए इन्विजन ही नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे जैसे अगर
आधी जगह फुटपाथ है, आधी जगह फुटपाथ नहीं है. फुटपाथ में अगर आप चल भी रहे हो, चलते चलते बीच में कोई वेंडर आ जाएगा या कोई टूटी फूटी जगह आ जाएगी. तो जैसे अगर आज मुझे भी फुटपाथ पे चलना है तो मैं अवॉइड करूंगी और मैं रोड पे चढ़ूंगी. वहीं रोड पे चल रही हूँ तो छोटी सी रोड है, उसमें टू लेन गाड़ी चल रही है, कभी बाइक इधर से आ रही है उधर से आ रही है, या ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम चल रही है. एंड टू एड ऑन दैट, हमारे स्ट्रीट एनिमल्स भी हैं, स्ट्रीट डॉग्स आ जाते हैं. तो जो फुटपाथ में लोग चल रहे हैं उनको भी डर लगता है, तो वो लोग भी शायद यू नो इधर उधर आने की कोशिश करते हैं. इस वजह से इट्स अ मेस. मैम, जब आप यू नो नागपुर में आने, यू नो सेटल हुई, यू फाइनली गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली इन नागपुर, व्हिच अगेन इज अ फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स, है ना? यस. क्या मतलब बचपन से ही सोचा था कि आर्किटेक्ट बनूंगी, या फिर क्या सोचा था, क्या सपने थे? सपना तो यही था कि कुछ बनना है लाइफ में, एंड ये पता था क्या नहीं बनना है, बट क्या बनना है ये आई थिंक इट लाइफ हैपेंड. एंड ये कभी नहीं सोचा था दैट आई गेट मैरिड इनटू एन आर्किटेक्ट फैमिली. इनफैक्ट मुझे बहुत टाइम तक तो पता भी नहीं था कि यू नो बचपन से आप सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ही सुने थे, तो आर्किटेक्चर कुछ होता है ये भी मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया था. मेरी पूरी फैमिली में आई एम द ओनली वन हुज एन आर्किटेक्ट, तो ऐसा कभी एक्सपोजर नहीं था आर्किटेक्चर के टूवर्ड्स. आई थिंक लाइफ हैपेंड. मुझे पता था कि मुझे साइंस ही लेना है, कॉमर्स आई डोंट नो, आई नेवर अंडरस्टूड इट. एंड डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना ये पता था. तो उस टाइम पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे जो आज इतने हैं. एंड ड्राइंग में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, बट आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, बट या सो आई थिंक इसी रीजन से मैं आर्किटेक्ट बन गई. एंड देन वंस आई गॉट इनटू द फील्ड अंडरग्रेड्स के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव ऑलवेज बीन लव्ड you know by nature and nature loves me also. तो मुझे नेचर से रिलेटेड रहना है, तो लैंडस्केप के टूवर्ड्स थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर मिला, तो वो करते करते लैंडस्केप में घुस गई. फिर वहां से मुझे सस्टेनेबिलिटी के बारे में ज्यादा पता चला. एंड देन आई ऑलवेज न्यू कि यू नो पैशन चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए, तो वो पैशन मुझे सस्टेनेबिलिटी में मिला. तो जब ये जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट का जो काम होता है, ये यू नो हरियाली और यू नो ग्रीनरी की तरफ बहुत काम होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो दैट इज I think that is a part of it. It's not completely what defines landscape architecture. Hardscape भी होता है इसके अंदर. इसके बहुत सारी दूसरी चीजें भी है, लाइक मतलब जो प्लांट्स का आपको नॉलेज होना डेफिनेट जरूरी है, एंड दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. बट देन स्टिल जो आप सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में आपने बात की, मैम वक्त के साथ हम ग्रीन आर्किटेक्चर को देख रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में बहुत चलन में आने वाला है. Is that true? Yeah, yeah, absolutely. सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं, आई थिंक सस्टेनेबिलिटी शुड बी द वे ऑफ लाइफ. इट्स द ओनली वे ऑफ लाइफ जो हमें सस्टेन कर सकता है, हमारे फ्यूचर जनरेशन को सस्टेन कर सकता है. तो आई थिंक दैट शुडंट जस्ट बी लिमिटेड टू आर्किटेक्चर. इट इज देयर इन एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ दैट वी नो ऑफ टूडे. सोलर इज वन ऑफ द यू नो सस्टेनेबल एनर्जी. Yeah, it's one of the like a small part of sustainability, but yeah, it's yes, but then still people haven't taken you know the benefits of solar energy. आज भी मैम लोग you know अपनी बिजली के लिए you know कोल या फिर किसी और माध्यम पे you know भरोसा करते हैं, या फिर इंतजार करते हैं कि you know government कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे और उनके घर तक पहुंचाए, लेकिन जबकि उनके पास एक फ्री सोर्स ऑफ है एनर्जी जिसके वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ प्रॉब्लम आपको किसकी लगती है, लोग समझना नहीं चाहते या गवर्नमेंट उसको स्ट्रांगली अप्लाई करने में कहीं ना कहीं यू नो असफल रही है? एक्चुअली मुझे जो लगता है, जैसे आप कोई भी चीज देखेंगे, हेलमेट पहनना चाहिए. एक छोटा एग्जांपल है जी. ये हम सब हमेशा से जानते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं हेलमेट पहनेंगे तो एक्सीडेंट से हमें बचाएंगे. बट ये मास फॉलोइंग कब आई, जब हमें फाइन लगने लगा या जब वो पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गई. तो कोई भी चीज को अगर हम चाहते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन लार्ज स्केल में हो, मास तक पहुंचे, एक तो कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है कोई भी चीज के लिए. तो सोलार डेफिनेटली लॉन्ग रन में बेनिफिशियल है, बट उसके वन टाइम कॉस्ट थोड़ा जो इनिशियल कॉस्ट है वो एक फैक्टर है जो आई थिंक काफी लोग उससे डरते हैं अप्लाई करने में. दूसरा आई थिंक इंसेंटिव्स और पॉलिसी, ये सारी चीजों में गवर्नमेंट हमारा काम करती है. तो जब इंसेंटिव्स हमें अच्छे मिलेंगे, मतलब अगर हमें जो कॉस्ट अपफ्रंट कॉस्ट देना है उस पर हमें कुछ फायदे होंगे, तो लोग सोचेंगे इसको अप्लाई करने के बारे में. और अगर पॉलिसी स्ट्रिक्ट हो गए, कंपल्सरी नहीं बट कुछ हमें पे बैक मिल जाए या कुछ इसके बेनिफिट्स मिल गए, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने अपने घर में कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया तो शायद आपका
आपको प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाए या आपको कुछ किसी भी तरीके का कुछ इंसेंटिव मिल जाए कि जो हमारी सिटीजन्स है उनमें एक तो अवेयरनेस भी स्प्रेड होगी, दूसरी वो लोग नज होंगे टू मेक द राइट चॉइसेस एंड यू नो. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ही रहे हैं डेफिनेटली, बट अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. एग्जैक्टली. तो वो उस आई थिंक मेट्रो सिटीज और ये सब में तो काफी हद तक आ गया है, बट नागपुर में या कोई भी बी टाउन में फॉर इंस्टेंस रायपुर में भी तो वो उस लेवल में आया नहीं है जितना आना चाहिए. मैम नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ यू नो वेरी प्रेस्टीजियस you know family in Nagpur city, a very respected family. Ashok Mokha sir is one of those people who has taken Nagpur's name to you know global, and you know it's so proud that you know I'm interviewing his daughter-in-law. So is there a pressure? To be honest, I've never looked at it that way. Matlab wo mere liye to mere papa hi hai, but I'm very grateful ki mujhe मतलब मुझे ऐसा मिला, अपॉर्चुनिटी मिली. आई डोंट नो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिली इज नॉट द राइट वर्ड, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वो मेरे फादर इन लॉ है और मेरी शादी ऐसे घर पे हुई है. प्रेशर यू ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड. ब्लेस्ड. आई एम डेफिनेटली ब्लेस्ड. दैट्स द वर्ड. थैंक यू. या सो एक्चुअली प्रेशर नहीं है फॉर श्योर, बिकॉज जब मैं काम कर रही हूँ ये मेरी चॉइस है. मुझ पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला है कि आप काम करिए या ये करिए. मैं जो स्ट्रीम सिलेक्ट किया ये भी मेरी चॉइस है. बट डू यू एज अ फैमिली डू यू सिट टुगेदर डिस्कस सम थिंग्स? आई थिंक आर्किटेक्चर इज द मेजर थिंग दैट वी टॉक ऑन फॉर श्योर, बिकॉज वी आर अ फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स. तो फिर वो तो खैर इन ब्लड है. मतलब okay. जो मतलब मेरे ग्रैंडफादर है इस मेरे हस्बैंड के जो ग्रैंडफादर है वो भी आर्किटेक्ट ही थे. दीक्षा भूमि, यशवंत स्टेडियम ये सब उन्होंने ही बनाया है. तो ओवरऑल सब कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का लिंक तो आ ही जाता है, बट आई थिंक प्रेशर इज नॉट द राइट वे. मैम यू नो कहते हैं कि हर महिला जो है वो अपने लिए एक छोटा सा वक्त निकालती है, इट्स कॉल्ड मी टाइम. डू यू हैव अ मी टाइम? यस. एंड व्हाट्स दैट? So for me, me times can be very little, like having my cup of tea in peace without disturbance. That is what I think keeps me going on a day-to-day basis. But weekly, maybe like bi-weekly, thoda sa time nikal ke going for a head massage or just going for a massage in general. जैसे यहाँ पास में club, CP club है, मुझे बहुत पसंद है. तो maybe बस मैं उधर चले जाऊँ या अपने फ्रेंड्स से मिल लूँ थोड़ा. तो ये सब भी मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक इट कीप्स मी गोइंग. तो मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और ये मैं निकालते रहती हूँ. विद टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. वक्त के साथ समाज भी काफी बदला है. आप एक यू नो एक नई सोसाइटी की, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की महिला है, तो मैं ये आपका एक पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ अबाउट थिंग्स. व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिंगल मदर्स? व्हाट्स योर थॉट? I think do what your heart desires, and it's a very brave thing if someone is actually opting to do that. It is something I don't have the courage to do. In fact, matlab salute to people who can think of it, because main apne jab nieces aur nephews ko dekhti hu, and I look at my friends kids also, I think it's a wholesome job. So thinking about it also gives me goosebumps. So agar jo koi kar pata hai to hats off to you. मैम पोस्ट कोविड हमने ये देखा कि नंबर ऑफ डिवोर्सेज हैव बीन इंक्रीजिंग, विद नॉट जस्ट पोस्ट कोविड बट लुकिंग एट द सोसाइटी नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. व्हाट कुड हैव बीन यू नो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? क्या है वो रियल कारण आपके हिसाब से जिसकी वजह से जो शादियां टूट रही हैं? क्यों? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब काफी घरों में जो होता है यूजुअली कि गर्ल्स कुछ करना चाहती हैं, जब वो अपना मन आप सामने रखती है एंड व्हेन दे से कि हमें ये करना है एंड दे गो आउट, एंड आई थिंक वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है रिलेशनशिप में, या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है उन्हें काम करने के लिए. बट गर्ल्स टेक देयर स्टैंड एंड दे स्टिल चूज टू मूव ऑन विद देयर लाइफ. दिस कैन बी अ मेजर रीजन. सेकेंड रीजन होता है, मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन.
एंड मे बी डिफरेंट डिजायर्स कि यू ग्रो ऑल्सो. सो जरूरी नहीं है 10 साल पहले जो आप रहे हैं वो आप 10 साल बाद भी रहेंगे. तो मे बी एज ह्यूमन बींग्स टू पीपल कैन ग्रो बट नॉट इन अ सेम डायरेक्शन इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. सो दे कैन बी न्यूमरस रीजन बट आई थिंक आजकल मेजरली यही रीजन होते हैं. मैम व्हाट्स योर थॉट ऑन चाइल्ड अडॉप्शन? Oh, I think it's a very smart thing to do. You should, I mean, if someone wants to do it, आपको बिल्कुल करना चाहिए. हमारे वर्ल्ड में 50% किड्स आज की डेट में या तो रिफ्यूजीज हैं या वो लोग ऑर्फनेज में हैं. इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. अगर आप किसी को घर दे सके तो बिल्कुल दीजिए. अच्छा, अच्छी पढ़ाई, अच्छी अपब्रिंगिंग दे सके तो बिल्कुल दीजिए. यू आर शेपिंग आर फ्यूचर. दोज किड्स आर आर फ्यूचर एक्चुअली. एंड अगर आप सोचेंगे तो 50% किड्स आज की डेट में फैमिली चूज करना चाहते हैं और फैमिली के लिए तड़प रहे हैं. तो अगर आप दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए. इससे अच्छा आई थिंक अच्छा काम नहीं हो सकता. किसी को बेटर लाइफ देना, फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट चाइल्ड अडॉप्शन, पेट अडॉप्शन इज ऑल्सो अ बिग डील. सो आई थिंक यू शुड That should happen. It should be promoted in a large scale also. पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा वक्त आपने आउट ऑफ इंडिया बताया है. जी. बाहर जब रह रही थी कभी ऐसा मन नहीं किया कि वहीं रह जाऊं? मन तो किया. मैंने बहुत बार किया. A very honest confession. It's a very honest confession. अभी भी बहुत बार करता है कि you know why? 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 Yeah, But why? So and maybe who knows in future I might just go. I feel like I can. तो आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ. ओपन है सारे आइडियाज बट फैमिली इधर है. ये तो हमेशा से पता था कि यू नो लाइक आई टोल्ड यू मेरी बहुत बड़ी फैमिली है. तो हमें फैमिली के पास ही रहना है. एंड जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर जा रही थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी. मेरे पापा ने मुझे भेजा था ओनली इन दिस कंडीशन दैट आई कैन कम बैक. सो या आई तो उस वजह से वापस तो आना ही था. बट नेवर से नेवर. बट क्या वो कारण होगा कि आप वहां रुक जाएंगी यहाँ नहीं आएंगी? या वहां जाने का मन है? मेरा वहां जाने का मन है. आई थिंक जस्ट द लाइफ दैट आई हैव एक्सपीरियंस देयर वो बहुत अलग है उस लाइफ से जो मैं अभी यहाँ पे लीड कर रही हूँ. वहां पे मैं पढ़ाई भी करती थी. आई वॉज वर्किंग ऑल्सो एंड साथ में मतलब वो छोटे छोटे सारे काम करना एक अलग हैप्पीनेस देता है. मैनेजिंग योर ओन लिटिल वर्ल्ड देयर एंड वहां पे मुझे मेरे टाइप के लोग ज्यादा मिले. लाइक आई समहाउ फील कि वो एक एक्टिविज्म है मेरे अंदर टुवर्ड्स क्लाइमेट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. सो व्हेन इट कम्स टू दीज क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो वर्ड बोलते हैं आज, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर जो है वो मुझे लगता है वो वहां जाके थोड़ा निकल जाता है. एंड आई क्वाइट एंजॉय दैट साइड ऑफ माई लाइफ ऑल्सो. सो दैट आई रियली मिस. Marriage as an institution, you know, the husband learns a lot from wife. What have you learned from Mr. Mocha? From what have I learned from him? I think work. I've never been so passionate, like workaholic kind of a person. But now, ये उन्हें देख-देख कर मैं सीख रही हूँ. मैं हमेशा से मतलब मस्ती ज्यादा ढूंढती हूँ चीजों में. बट उनकी वजह से थोड़ी सीरियसनेस आ रही है काम को लेकर. ऐसा बोल सकते हैं. ओके मैम, अब चूंकि यू नो आप का एक एक्सपीरियंस रहा है विदेश का भी और अब आप यहाँ पर भी हैं काफी समय से, चैलेंजेस क्या है? नॉट लुकिंग एट यू नो जस्ट इज लुकिंग एट स्नेहा मुखर्ज लाइफ. व्हाट इज स्नेहा मुखर्ज चैलेंज इन लाइफ? ओके सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है. मैं प्रोफेशनली बात करूं जैसे कि मैं सस्टेनेबिलिटी में काम करती हूँ. ठीक है. सो आई वर्क फॉर लाइक आई एम एन आर्किटेक्ट. मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चर में है बट नाउ आई एम लाइक इन टू सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. सो आई फोकस ऑन ग्रीन बिल्डिंग्स मटीरियल्स. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो नागपुर में है वो है अवेयरनेस को लेकर. जब मैं इसके पहले न्यूयॉर्क में थी, न्यूयॉर्क में जब हम अवेयरनेस लेवल की बातें करते हैं तो वहां पे जो हमारे यू डोंट हैव टू बी एन आर्किटेक्ट, जो हमारे नॉर्मल सिटीजन्स भी हैं, हर किसी पे एक लेवल का तो अवेयरनेस लेवल है. मतलब चाहे आप अपना वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें या यू नो डे टू डे हमारे कौन से हैबिट्स प्लैनेट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस टर्म्स पे जो हमारे वहां पे अवेयरनेस लेवल्स है वर्सेस जब मैं यहाँ पे अपने आसपास चीजें देखती हूँ तो मुझे बहुत खराब लगता है. मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मेजर रीजन है मुझे लगता है कि मुझे बाहर की ज्यादा पसंद है. बिकॉज जैसे मैंने बताया मेरे टाइप के लोग हैं तो वहां अवेयरनेस की जो इश्यूज है ये मेरी सबसे बड़ी चैलेंज है आज की डेट में प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी. मतलब मुझे
मेरे टाइम मेरे दिन का मेजर टाइम लोगों को कन्विंस करने में जाता है कि हमें सस्टेनेबिलिटी क्यों चूज करनी चाहिए. तो जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट राइट लुकिंग एट द वे हमारे आसपास डिजास्टर्स हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं जो विद टाइम और बढ़ने वाले हैं, फिर भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आई है या वो छोटी छोटी हैबिट्स कोई अपनी चेंज नहीं करना चाहता. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरे आखिरी के दो तीन सवाल, एक ये कि व्हाट्स द ड्रीम, क्या करना है, कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है उसकी तो मैंने कोई परिभाषा नहीं की है अपने आप को, मैंने कभी लिमिट नहीं किया है. बट क्या करना है, कुछ तो इसी फील्ड में करना है और कुछ ऐसा करना है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सके. अगर मेरा ये मेरी वजह से अगर कोई एक इंसान भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेता है या एक इंसान भी सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स बढ़ सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो मेरे लिए आई थिंक वो ही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है. आई जस्ट फील लाइक कि आई एम हियर टू डू समथिंग गुड एंड दिस इज अ फील्ड जिसमें आपको पैशन चाहिए. तो आई एम ऑलवेज लुकिंग टू कनेक्ट विद पैशन इन पीपल टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. तो फिलहाल मुझे यही लगता है कि मेरी वजह से अगर आप कोई कुछ अच्छा हो जाए किसी का, तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा मेरे लिए. ओके मैम, क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी रहा हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि हर किसी का दिल एक एफएम चैनल है और हर वक्त हर किसी के दिल में कोई ना कोई गाना बजता रहता है. क्या एक गाना जो आपके दिल के एफएम में हमेशा बजता रहता है, व्हाट्स दैट? लाइक ऑलवेज ऑलवेज. ठीक है, सिंस आई थिंक सिंस द लास्ट 15-20 इयर्स जो एक गाना हमेशा बैकग्राउंड में रहता है मेरे माइंड में, वो तो एक है समर ऑफ 69, दूसरा है एवरीथिंग आई डू, एंड आज जो मेरे दिल में चल रहा है अभी वो है परफेक्ट. परफेक्ट. ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, स्नेहा डागा मोखा, उस नाम के नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? अ कोट ऑफ योर लाइफ. Live and let live. Live and let live. Yeah. Ma'am, you have an amazing journey and I'm sure I just pray that aap kabhi India chhod ke na jaye. Nagpur chhod ke na jaye. Because ma'am, aapke jaise logon ki zarurat hai hamare desh ko, hamare shahar ko, hamare pradesh ko. नहीं, मैं कुछ साल तो यही रहना चाहती हूँ, बट मैं जरूर ये प्रे करूंगी कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मैं अब्रॉड में ही रहूं. मैम, हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि यू नो इंडिया, हो सकता है, आई होप इट. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर का जो वो एक्टिविज्म है वो एक पार्ट है जो अभी मैं नहीं कर पाती हूँ, वो मुझे करना है. आई रियली लाइक कनेक्टिंग दैट एस्पेक्ट डे टू डे में, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ नहीं मिल पा रही है. तो वो बहुत एक फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग वो पॉइंट है. तो वो मुझे आई थिंक फुलफिल. बट यू नो व्हाट मैम, इफ फॉर अवेयरनेस यू कैन ऑलवेज यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड राज की बात. अरे थैंक यू सो मच. आई रियली रियली वुड लाइक योर सपोर्ट. जो व्यूअर्स हैं वो ये चीज देखे, अगर किसी को इंटरेस्ट है इस फील्ड में, कोई ज्यादा जानना चाहता है, तो आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा. और ये चार्जेबल चीजें नहीं है, बिल्कुल. तो आई कैन जस्ट गाइड यू ऑन अ डे टू डे बेसिस. अगर मैं खुद एक जीरो वेस्ट जाने की कोशिश कर रही हूँ, सो इट्स अ जर्नी. कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती है, बट एटलीस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम राइट डायरेक्शन में एटलीस्ट एक कदम तो बढ़ाएं. तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई जानना चाहता है, तो आप प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करिए. और ये सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो आप खुद भी गूगल करिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एंड आई थिंक इट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. सुपर फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस ऑनर. आर्किटेक्ट स्नेहा मोखा मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ वुमेन ऑफ द ईयर. आज इट्स अ ग्रेट थिंग व्हेन यू नो एक मंडे की शुरुआत हम यू नो सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर में बात करके कर रहे हैं. एक ऐसी महिला जो यू नो यंग है, एनर्जेटिक है और एक मानसिकता रखती हैं अवेयरनेस करने के लिए. और ये कितना चैलेंजिंग होगा, देखिए बनाने वाले ने जब ये पृथ्वी बनाई होगी तो कितना सोच समझ के बनाया होगा. आप इसको
खूबसूरत पेंटिंग के माध्यम से सोचने की कोशिश करें कि जहां पर आसमान है, सूरज है, चांद, सितारे, झरने, पवन, सब कुछ है, पर्वत, सब कुछ है, हरियाली। आप सोच के देखिए कितना सोच के इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया होगा ऊपर वाले ने, लेकिन जब उसने इंसान बनाया उससे क्या अपेक्षा की होगी, क्या अपेक्षा की होगी? क्या हम जहां रहते हैं हम अपने घर के बारे में कितना सोचते हैं? क्या ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है? हम यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे? भले आज हमें बड़ा फख्र होता है इस बात पे कि चंद्रयान पहुंच गया इसरो, इतनी स्पेसशिप्स मार्स तक जा रही हैं, ये सब चीजें ठीक हैं, पर क्या हम पृथ्वी छोड़ के कहीं और अपने आप को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, समझ पाएंगे? जिम्मेदारी तो लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। और दुर्भाग्य की बात पता है क्या है कि हम अच्छी चीजों को शेयर करना ही भूल जाते हैं। हम ऐसी चीजों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम शेयर करते हैं जिन चीजों का कोई तथ्य नहीं, एक मिनट का एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। हमारे आंखों के सामने में पेड़ कटते हैं, हमारी आंखों के सामने में चीजें खराब होते जा रही हैं, मौसम देखिए कितना तब्दील होते जा रहा है, गर्मी के मौसम में बारिश आ रही है, बारिश के मौसम में बूंदों को तरस रहे हैं, और आज हमारे देश की राजधानी भी पानी में डूबी हुई है। क्या हम ये सब बातें देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कोविड ने हमें कुछ नहीं समझाया? सवाल आपके सामने, जवाब आपके पास। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें, जय हिंद।